हाय एवरीवन, वेलकम टू मोमा टियारा। मैं हूं कुरुबी और आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए दिवाली काली पूजा आउटफिट आइडियाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला जो लुक है, इसमें मैंने एक बेज कलर के स्कर्ट के साथ एक ब्लाउज को पेयर अप किया है। जी हाँ, ये मेरे एक साड़ी के साथ का मैचिंग ब्लाउज है। और इस तरह के ब्लाउजेज जो होते हैं वो मुझे काफ़ी काम के लगते हैं, बहुत यूज़फुल है। इसे आप साड़ीज के साथ तो पहन सकते ही हो और इसे आप इस तरह के स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, एक अलग सा ड्रेस क्रिएट हो जाता है। तो इस दिवाली इस तरह से आप भी एक अलग सा ड्रेस ज़रूर क्रिएट कीजिए और पहनिए, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। सेकेंड लुक में मैंने एक अनारकली सूट पहना है और ये मेरा काफ़ी पुराना सूट है। और इस तरह के जो सूट्स होते हैं वो हमारे पास बस पुराने हो जाते हैं और हम इसे ज़्यादा पहन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इसे बस ओकेजनली ही हम पहनते हैं, क्योंकि ये थोड़े हेवी होते हैं। तो ये मैंने चूज़ किया है और इसके साथ मैंने हेयर बन किया है और साथ ही में मैंने गजरा ऐड किया है। तो गजरा ऐड होने से एक अलग सा ट्रेडिशनल फील आता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो सूट्स के साथ या फिर साड़ीज के साथ पहनना मुझे बहुत पसंद है। तो इस दिवाली आप भी इस तरह का लुक चूज़ कर सकते हो, अच्छा लगता है और सिंपल और स्टाइलिश लगता है। हर लुक में मैंने एक सिल्क की साड़ी चूज़ किया है और सिल्क साड़ीज तो हर ओकेजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, चाहे वो शादी हो या फिर इस तरह के जो पूजा ओकेजन होते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से सिल्क साड़ी आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर का सिल्क साड़ी चूज़ किया है और कानों में मैंने हेवी ईयरिंग्स चांद बालिस पहने हैं, यहाँ पे टर्सल ईयरिंग्स है ये। तो इस तरह के जो ईयरिंग्स होते हैं वो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा लगता है और एक हेवी लुक आपका आता है इससे। तो इस तरह का जो, अगर आपको ज़्यादा कुछ ज्वेलरी पहनने का मन ना हो तो इस तरह से आप साड़ीज के साथ आप इस तरह के कान में बस एक ईयरिंग्स दीजिए जो बड़े वाले होते हैं, तो इससे एक अलग सा ही एक लुक आपका आता है जो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह से, बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस तरह से। और लास्ट में फाइनल लुक में मैंने पहना है एक जॉर्जेट की साड़ी। तो अगर आपको सिल्क साड़ी या फिर कोई भी इस तरह की हेवी जो साड़ी होती है वो पहनना पसंद नहीं हो तो आप इस तरह के सिंपल लुक आप अपना सकते हो इस दिवाली, और मेरा तो ये पर्सनली बहुत फेवरेट है इस तरह का लुक। तो आप बताइए आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।